फैक्टर थ्योरम के बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक पीएच पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा है, ए कोई रियल नंबर है, तो अगर पीए की वजह से आंसर जीरो आ रहा है तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा, और अगर एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है तो पीए जीरो आएगा। ओके, तो इसमें ये पता है हमारे लिए ना रिमाइंडर निकालने का काम आता है, नॉर्मली किसके काम आता है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर निकालने के। अगर लेट हमें चेक करना हो कि कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है, एक्स इज इक्वल टू टू हमें दे दे, नहीं एक्स माइनस टू, ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का फैक्टर है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें रख देंगे टू का एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास टू आया, तो इसमें टू रख के देखेंगे, टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, फोर और सिक्स कितना हो गया टेन माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है ना। तो यस ये इसका फैक्टर है, बाय चांस जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। दूसरी बात क्या होती है इससे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये दे दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव दे दिया, और वो कह रहा है कि इसको एक्स प्लस टू से डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया बच्चों x प्लस टू से, अगर x प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा हमें ये चेक करके बताने, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा हमें ये चेक करके बताने, तो कैसे करेंगे x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस टू आ जाएगा, इसमें रख के देखेंगे हम लोग, लेट ये पी एक्स के इक्वल है, ओके तो पी ऑफ माइनस टू रखेंगे, माइनस टू का स्क्वायर, देखो जहां एक्स था वहां क्या रखती है मैंने माइनस टू रख दिया, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां मुझे क्या रखना पड़ेगा माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस फाइव, सोल्व कर लेते हैं, नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस फाइव, तो हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स इसको जोड़ने के बाद आंसर फिफ्टीन आया। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 15 आएगा, बाय चांस रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स जो भी रिमाइंडर आएगा वो बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताऊंगा, थैंक यू।